इस बात समझाने की कोशिश की कि हमारे पास लाइट एसेंशियली एक वेव, और ये एसेंशियली आपके पास क्यों एक वेव है, इसकी वजह उन्होंने ये बात बताई कि लाइट आपके पास, उन्होंने बोला, स्प्रेड होती है, लाइट फैल जाती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती नहीं। और ये बात सच भी है। अगर आप अपने आसपास कमरे में देखो तो लाइट क्या बल्ब से सीधी आपकी तरफ आ रही है कि वो पूरे कमरे में स्प्रेड कर रही है? तो बोला पूरे कमरे में स्प्रेड हो रही है। और लाइट बच्चे आपके इनफैक्ट कमरे से बाहर भी चली जाती है, और इस वजह से उन्होंने बोला, हाइगंस ने बोला कि लाइट हमारे पास अगर देखा जाए तो ये वेव की तरह आपके पास क्या करती है, स्प्रेड भी करती है बच्चे हमारे पास। एक तो बच्चे ये हमारे पास स्प्रेड कर जाती है, और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि लाइट बेंड भी कर जाती है। दो चीजें बोली कि लाइट आपके पास स्प्रेड भी करती है, बेंड भी करती है। अगर आप अपने आसपास देखो, ये नजर भी आएगा आपको, कई बार आप देखते होंगे कि हमारी शेडो बिल्कुल परफेक्ट पिच डार्क नहीं बनती है, थोड़ी सी बच्चे वो आपके पास ब्राइट बनती है। तो लाइट वेव्स बच्चे हमारे पास स्प्रेड भी करती है, ये बच्चे हमारे पास बेंड भी करती है। ड्यू टू दिस और इस वजह से, एंड ड्यू टू दिस और इस वजह से वी कैन एसोसिएट, हम यहां पर एसोसिएट कर सकते हैं, वी कैन एसोसिएट द वेव नेचर विद द लाइट, द वेव नेचर विद द लाइट, द वेव नेचर विद द लाइट, यानी कि हम लाइट के साथ वेव नेचर को एसोसिएट कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। तो लोगों ने बोला कि इसके पीछे का बिलीफ क्या है? तो बिलीफ बच्चे उनको ये था कि लाइट जो है स्प्रेड करती है और बेंड कर जाती है, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है तो हमारी जो लाइट है, बोलते हैं ना कि लाइट स्प्रेड इन योर रूम, तो स्प्रेड तो बच्चे वेव करती है। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मेरी आवाज एक डायरेक्शन के बजाय सभी डायरेक्शंस के अंदर जाती है। तो हाइगंस ने बोला ये पक्का इस बात का एविडेंस है कि लाइट मेरे पास रे के साथ साथ वेव नेचर को भी पोजेस करती है। अब बात की जाती है बच्चे हाइगंस के दूसरी प्रिंसिपल की। हाइगंस ने हमारे पास यहां पर दूसरा प्रिंसिपल या दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, और ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास वेव फ्रंट का, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था किसका, वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट का, हमारे पास वेव फ्रंट आपके पास क्या चीज है? अगर बात की जाए कि वेव फ्रंट आपके पास यहां पर क्या चीज है, वेव फ्रंट बच्चे हमारे पास यहां पर एक बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर बात की जाए, वेव फ्रंट हमको ऐसे समझ में आ सकता है बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर एक पॉन्ड है, समझना बच्चे इस बात, मेरे पास यहां पर एक पॉन्ड है और इस पॉन्ड के ठीक बीचों बीच मैं एक पत्थर को ड्रॉप कर देता हूं। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे इस पानी के अंदर पत्थर जाएगा तो आपके पास यहां पर क्या डेवलप हो जाएगी, क्रस्ट, फिर क्या डेवलप हो जाएगी, ट्रफ, फिर बच्चे आपके पास क्रस्ट, फिर आपके पास यहां पर ट्रफ। तो हमारे पास आपको पता लग जाएगा कि इसके बीच में किसी ने पत्थर को डाला। अगर आप पत्थर डालोगे तो ये वहां पर पैटर्न तैयार होता है, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। और अगर किसी और ने पत्थर डाला और आपने पत्थर डालते हुए उसको नहीं देखा तो भी आपको समझ में आ जाएगा किसी ने इसके बीच में पत्थर डाल रहा है। तो ऐसे मेरे पास यहां पर आपके पास क्रस्ट और आपके पास ट्रफ का पैटर्न आपके लिए तैयार हो जाएगा। सो मेरे पास एक तरफ क्रस्ट है, एक तरफ ट्रफ है, फिर बच्चे हमारे पास क्रेस्ट है और मेरे पास ट्रफ है, और ऐसा हमारे पास यहां पर पैटर्न आपके पास तैयार हो जाएगा। इसको बच्चे हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, वेव फ्रंट बन गए, वेव फ्रंट बन गया। तो वेव फ्रंट है क्या? तो हम यहां पर ये बोलते हैं कि लाइट वेव्स, द लाइट वेव्स, जो लाइट वेव्स है आपके पास, इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, यह हमारे पास एक डिस्टरबेंस की तरह, इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस, क्योंकि वेव होती ही आपके पास क्या है बच्चे, एक तरह की डिस्टरबेंस। तो लाइट वेव्स इज अ काइंड ऑफ अ डिस्टरबेंस, लाइट वेव्स हमारे पास एक डिस्टरबेंस की तरह, ये बच्चे एक मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस की तरह जो फैल जाती है बच्चे। नाउ ड्यू टू दिस, इसकी वजह से बच्चे बताओ क्या होगा, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम,
जो पार्टिकल्स हैं बच्चे हमारे पास किसके, मीडियम के, दे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, दे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग ऑन द मेन पोजिशन. गुड इवनिंग वंशिका. सो दीज आर वाइब्रेटिंग इन द बच्चे हमारे पास टू एंड फ्रो इन द टू एंड फ्रो अबाउट मेन पोजिशन अबाउट मेन पोजिशन अबाउट मेन पोजिशन. यानी कि बच्चा हमारे पास ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते रहते हैं टू एंड फ्रो अबाउट देयर मेन पोजिशन. ऐसे आपके पास वेव क्या है, डिस्टर्बेंस ही तो है बच्चा हमारे पास. आपके पास एक कपड़े का टुकड़ा, आप उसमें वेव क्रिएट करिए तो वेव क्या है, डिस्टर्बेंस. जहां जहां वेव पहुंचती जाती है मीडियम के पार्टिकल्स उस वेव को रिसीव करके क्या करते हैं, वो अपनी ही पोजीशन पे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं. ऐसे आया ना, वो लगातार ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं. पार्टिकल ऊपर चल गए तो क्या बन गया, क्रस्ट. पार्टिकल नीचे आ गए तो क्या बन गया, ट्रफ. और सारे पार्टिकल क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर क्या करते हैं, लाइक कर जाते. ये बात आपको पता लग रही है मेगा मेगा, ये बात पता लग रही है बच्चे कि लाइट वेव आपके पास, पहली बात ये डिस्टर्बेंस है, ये कोई नॉर्मल चीज. वेव क्या है, डिस्टर्ब. अगर आप बोलो जाए मुझे एक वर्ड में बोलो कि सर वेव क्या है, तो मैं बोलूंगा डिस्टर्बेंस. किस चीज की डिस्टर्बेंस, जहां पर बच्चा हमारे पास एक पार्टिकल जो है बच्चा आपके पास एक पार्टिकल पहुंचता है और वो डिस्टर्ब करता है. जैसे मैंने ताली बजा दी तो मैंने क्या कर दिया, डिस्टर्बेंस क्रिएट की, मेरे आसपास के मॉलिक्यूल्स हिलने लग गए ताली बजाते. मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं, हवा में डिस्टर्बेंस. और ये डिस्टर्बेंस कुछ आपको रिकॉग्नाइजेबल साउंड आपको यहां पर लगती है, आपका माइंड प्रोसेस करता है, आपके दिमाग की जो मेमोरी है वो ये बताती है कि ये कहना क्या चाह रहा है. अब आपके सामने एक चाइनीज पर्सन आ जाए और वो बात करेगा, डिस्टरबेंस तो वो भी क्रिएट कर रहा है, लेकिन आप समझ पाओगे वो क्या बोल रहा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पाएगा. आप समझ नहीं पाएंगे, सॉरी, बोल तो पाएगा. तो बच्चे हमारे पास आपके, क्योंकि आपके ब्रेन में उस लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं. जब बच्चे हमारे पास किसी भी तरीके से कोई इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर होती है तो हम उसको प्रोसेस करते हैं, तो डिस्टर्बेंस है बच्चे हमारे पास, डिस्टर्बेंस है. फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे हमारे आसपास जो हवा चलती है तो कपड़े फड़फड़ाते, तो आवाज करते हैं, डिस्टर्बेंस है बच्चे हमारे पास. तो वेव एक डिस्टर्बेंस है, और जब डिस्टर्बेंस आप तक पहुंचेगी तो आप भी क्या हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओ. है ना, अगर वेव मैं नॉर्मल है, आपका पॉन्ड का पानी, आपका समुंदर का पानी, आपका नहर का पानी, आपके नदी का पानी, आपके टंकी का पानी, सब कुछ रेस्ट पे, या पानी के ग्लास के अंदर बच्चे अगर आप देखो तो वो पानी भी रेस्ट पे. आप इसमें कोई चीज को डाल दीजिए, टुपक करके बच्चे किसी चीज को डाल दीजिए, पत्थर डाल दिया, छोटी चीज डाल दी, तो आप जब वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो एक पॉइंट पर आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, तो बताओ वो डिस्टर्बेंस उसी जगह पे रहती है कि वो फैल जाती है. क्या लगता है नितिका, वो डिस्टर्बेंस उसी जगह पे रहती है कि फैल जाती है, नितिका? फैल जाती है सर. फैल जाती है. और ये डिस्टर्बेंस को फैलाता कौन है, उसको तो बच्चे हमने एक जगह पे डिस्टर्ब किया था, उसको फैलाते हैं मीडियम के पार्टिकल्स. मीडियम के पार्टिकल्स उस डिस्टर्बेंस को फैलाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट. तो मीडियम के पार्टिकल्स खुद भी उस डिस्टर्बेंस का हिस्सा बन जाते हैं, वो खुद भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और बच्चे वो मीडियम के पार्टिकल्स वेव की फॉर्म के अंदर आगे चले जाते हैं. तो इसे वेव फ्रंट का क्या लेना देना, मैं समझाता हूँ. अब बच्चे हमारे पास आती है वेव फ्रंट. वेव फ्रंट है क्या, वी राइट डाउन द वेव फ्रंट इज द, समझना बच्चे हमारे पास, द वेव फ्रंट इज द, जो वेव फ्रंट है बच्चा हमारे पास, द वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स. ये बच्चा हमारे पास लोकस है सभी पार्टिकल्स का. दिस इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स. ये बच्चा हमारे पास लोकस है किसका बच्चे, उन सभी पार्टिकल्स का विच आर डिस्टर्ब, जिनको बच्चे आपने डिस्टर्ब कर दिया, और डिस्टर्ब्ड बाय द वेव, जो कि वेव से डिस्टर्ब हो चुके हैं, एंड दे आर, और ये सब के सब
एंड दे आर एट सेम फेस, ये बच्चा आपके पास सेम फेस के ऊपर, एंड दे आर एट द सेम फेस। सेम फेस का मतलब सभी पार्टिकल्स हमारे पास या तो क्रस्ट पे हैं तो वो एक वे फ्रंट आपके पास, या सभी पार्टिकल जो ट्रफ पे है बच्चे वो हमारे पास दूसरा वे फ्रंट है। हमारे पास सपोज कि इस तरीके से आपके पास वेव क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। यह बच्चा हमारे पास वेव इस तरीके से आपके पास क्या कर रही है बच्चे, ट्रेवल कर रही है। अब यहां पर बच्चे जितने पार्टिकल्स हैं ये वाले, ये सबके सब आपके पास किसके ऊपर है, ट्रफ के ऊपर है, और ये वाले सारे पार्टिकल्स किसके ऊपर है बच्चे हमारे पास, ये सबके सब मेरे पास ट्रफ पे है, तो ये वेव फ्रंट बन गया, ये वेव फ्रंट है। नाउ दिस इज वेव फ्रंट, ये आपके पास वेव फ्रंट है बच्चे आपके पास, और ये भी मेरे पास आपके लिए क्या बन गया, वेव, ये भी बच्चे हमारे पास वेव फ्रंट है और दूसरा भी वेव फ्रंट, समझो इस बात को। तो वेव फ्रंट बच्चे हमारे पास है लोकस ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स, यानी कि पोजीशन ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स, लोकस का मतलब होता है पोजीशन, द पोजीशन ऑफ ऑल दी पार्टिकल, जो सबके सब इकट्ठे एक ही जगह पे मौजूद है और एक जैसा मोशन कर रहे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, वेव फ्रंट बोल देते हैं, उसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं, वेव फ्रंट। राघव, वंशिका, टीचर क्वेश्चन क्या पूछेगा, हमारे पास आदित्य, यहाँ पर ऋषभदेव, टीचर पता है क्या क्वेश्चन पूछेगा, परनीत, टीचर ने इतना क्वेश्चन पूछना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेव फ्रंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेव फ्रंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेव फ्रंट, यानी कि आप वेव फ्रंट की जो टर्म है बच्चे उससे आप यहां पर क्या अंडरस्टैंड करते हो। चले आगे देखें बच्चे हमारे पास, अब अगर हम बच्चे आगे देखें तो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव फ्रंट। सो हमारे पास मुझे बताना है व्हाट आर देयर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वेव फ्रंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वेव फ्रंट, आपके पास अलग अलग तरह की वेव फ्रंट कैसे समझी जा सकती है। वंशिका, हमारे पास यहां पर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते, द शेप ऑफ द वेव फ्रंट, द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इज डिसाइडेड बाय द, आपके पास नेचर ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, नेचर ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, नेचर ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट। सो शेप ऑफ द वेव फ्रंट इज डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट, एंड सेकंड वन, और दूसरी चीज बच्चे हमारे पास इस बात का बच्चे आपने ध्यान रखना बच्चे, फोकस करना बच्चे हमारे पास, The ray of light, जो आपके पास यहां पर ray of light है बच्चे, is always perpendicular to the wave front. This is always perpendicular to the wave front. ये हमेशा आपके पास wave front के perpendicular रहे। ये बच्चे हमेशा वेव फ्रंट के आपके पास परपेंडिकुलर रहेगा। सबसे पहला किस्म का वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट कौन सी चीज है, ध्यान से समझना। अगर हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट इज पॉइंट लाइट, If the source of the light is point light, यह हमारे पास point light, source of light. If the source of the light is point light, अगर source of light बच्चे हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, It is point light, यह बिल्कुल बच्चे हमारे पास point light है, then बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, then the wave front is spherical. Then the wave front is spherical. तो हमारे पास यहां पर जो wave front है वो आपका spherical बन जाएगा। ध्यान से समझना। मेरे पास यहां पर ये point source of light है, तो इसका wave front आपके पास spherical होगा।
हमारे पास इसका वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, हमारे पास इसका वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। और रे ऑफ लाइट कैसे जा रही है? सीधी जा रही है। रे ऑफ लाइट कैसे जा रही है? यहां आ रही है। रे ऑफ लाइट यहां जा रही है, रे ऑफ लाइट यहां पर जा रही है, रे ऑफ लाइट यहां जा रही है, रे ऑफ लाइट यहां जा रही है। तो ये पॉइंट लाइट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट तैयार हो जाता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहां पर क्या चीज आ जाती है? नेक्स्ट बच्चा हमारे पास आ जाता है लीनियर सोर्स ऑफ द लाइट, जैसे आपकी ट्यूबलाइट है, लीनियर सोर्स ऑफ द लाइट। एंड आपके पास यहां पर बन जाता है आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सो वी हैव सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बहुत इजी है। मेरे पास यहां पर सोर्स ऑफ लाइट क्या है? ये आपके पास है, ये सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास क्या रहा? दिस सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर वन। और हमारे पास इसका वेव फ्रंट क्या बन गया? हमारे पास इसका वेव फ्रंट बन जाता है सिलेंड्रिकल, ये ऐसे। हमारे पास इसका वेव फ्रंट कैसे बन जाता है? हमारे पास इसका वेव फ्रंट कैसे बन जाता है? द वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल। ये हमारे पास इसका वेव फ्रंट बन गया। और वेव फ्रंट ये देखो, ये रे ऑफ लाइट, ये हमारे पास यहां पर रे ऑफ लाइट, ये हमारे पास यहां पर रे ऑफ लाइट, ये आपके पास रे ऑफ लाइट है, और ये आपके पास रे ऑफ लाइट, और ये हमारे पास यहां पर रे ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास कौन सा वेव फ्रंट तैयार हो गया? आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। बहुत इजी। या टीचर मुझे जब पूछेगा कि आपके पास एक और वेव फ्रंट बन सकता है, बिल्कुल हमारे पास बहुत तरीके के वेव फ्रंट बन सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट वेव फ्रंट जो बनता है बच्चे, वो कौन सा वेव फ्रंट है? हमारे पास जो नेक्स्ट वेव फ्रंट आपके पास बनता है, इट इज अ प्लेनर वेव फ्रंट। या हमारे पास कौन सा वेव फ्रंट है बच्चे? आपके पास प्लेनर वेव फ्रंट। आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा? प्लेनर वेव फ्रंट बच्चे बन जाएगा। हमारे पास जो प्लेनर वेव फ्रंट है, वो हमारे पास कब बनता है? इफ द, अगर बच्चे हमारे पास सोर्स ऑफ द लाइट, अगर आपके पास जो सोर्स ऑफ द लाइट है बच्चे, वो कहां पर है? इज एट इंफिनिटी। इफ द सोर्स ऑफ द लाइट इज एट इंफिनिटी, ये बच्चा हमारे पास इंफिनिटी पे। अगर सोर्स ऑफ लाइट मेरे पास कहां पर है? इंफिनिटी पे। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? प्लेनर सोर्स। ये देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गया? प्लेनर सोर्स। ये देखते हैं, तो हमारे पास यहां पर ये क्या बन गया? प्लेनर सोर्स। ये देखते हैं कैसे, हमारे पास यहां पर ये चीज कैसे बन जाएगी? ये आपके पास बन जाएगी प्लेनर सोर्स ऑफ लाइट। ये देखते, तो दिस इज द प्लेनर सोर्स ऑफ द लाइट। और लाइट आपके पास कहां से आ रही है? लाइट मेरे पास इंफिनिटी से आ रही है। देखो, आपका जो भी वेव फ्रंट होगा, वो आपके पास किसके परपेंडिकुलर होगा? ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा टू द लाइट रेज, जो लाइट रेज हैं इनके परपेंडिकुलर होगा। तो ये बच्चे हमको यहां पर पता होना चाहिए। और एक और चीज, हमारे पास यहां पर दो तरह के वेव फ्रंट और बनते हैं बच्चे। कौन कौन सा? वन इज कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, यहां पर लाइट कन्वर्ज हो जाती है। सो वी हैव द कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। सपोज कि लाइट यहां पर जाकर कन्वर्ज हो रही है, सपोज कि मेरे पास यहां पर लाइट जाकर कन्वर्ज हो रही है, सपोज कि लाइट बच्चे आपके पास यहां पर जाकर कन्वर्ज हो रही है, सपोज कि लाइट आपके पास यहां पर जाकर कन्वर्ज हो रही है, तो इसका वेव फ्रंट आपके पास कैसा बनेगा? एक और ये दो और ये आपके पास तीन, ऐसे बन जाएगा। या फिर आपके पास डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट आपके पास क्या होता है? जहां पर लाइट एक जगह से आगे की तरफ को जाती है, ये लाइट आपके पास यहां की तरफ को जा रही है, लाइट यहां की तरफ को जा रही है। अब देखना बच्चे, जो भी हम वेव फ्रंट बनाते हैं, वो आपके पास इस पॉइंट को सेंटर मान के बनाया जाता है। या हमारे पास हम इस पॉइंट को सेंटर मान के वेव फ्रंट बनाएंगे। ये कौन सा वेव फ्रंट बन गया मेरे पास? डाइवर्जिंग। ये आपके पास कौन सा वेव फ्रंट बन गया? कन्वर्जिंग। तो मेरे पास या तो एक कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है
और या फिर आपके पास कौन सा वेव फ्रंट है, डाइवर्जेंट। तो या तो बच्चे हमारे पास कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है या फिर आपके पास डाइवर्जिंग वेव फ्रंट है। तो या तो बच्चे हमारे पास कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है और या फिर बच्चे हमारे पास कौन सा वेव फ्रंट है बच्चे, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। आगे चलते चीजों को समझते। इसका मतलब बच्चे हमारे पास इस सारी नॉलेज को कि एक वेव फ्रंट बनता है हम अप्लाई कर सकते हैं कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना में। कैसे? पहला केस है कनकेव मिरर का। पहला केस है मेरे पास यहां पर कनकेव मिरर का, हमारे पास यहां पर ये आपके लिए क्या आ गया, कनकेव मिरर, और हमारे पास ये चीज क्या बन गई बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट जो इंफिनिटी से आती है वंशिका, वो आपके पास कहां पर जाती है, यहां पर। लाइट जो इंफिनिटी से आती है वो टकराकर यहां कहीं पर जाएगी। लाइट जो कि इंफिनिटी से आती है बच्चे वो टकराकर जाएगी यहाँ पर। लाइट आपके पास जो इंफिनिटी से आती है वो टकराकर आएगी फोकस के ऊपर। ध्यान से समझना। अब इसका वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे आदित्य? बड़ी सिंपल सी चीज है, ये लाइट इंफिनिटी से आ रही है, ये आपके पास कौन सा वेव फ्रंट बन गया आदित्य, प्लेनर वेव फ्रंट। ये इस वजह से क्योंकि लाइट कहां से आ रही है आदित्य, इंफिनिटी से। फिर हमारे पास ये वाली लाइट कहां से आपके पास कन्वर्ज हो रही है, फोकस पे, तो ये कौन सा वेव फ्रंट बन गया आदित्य, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। ये हमारे पास क्या बन गया आदित्य, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। अरे ये तो बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमारे पास ऐसा ही केस तब भी हो सकता है अगर मेरे पास लेंस, और कौन सा लेंस हो मेरे पास, यहां पर आपके पास कन्वेक्स लेंस हो। कन्वेक्स लेंस क्या करता है आदित्य, कन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये हमारे पास इनफिनिटी से जो लाइट आपके पास आ रही है ये इसको कन्वर्ज करता है, और ये कहां पर कन्वर्ज करता है, इसको फोकस पे। ये हमारे पास इसको कहां पर कन्वर्ज करता है, आपके पास फोकस के ऊपर। इसको ये कहां पर फोकस करता है आपके पास, यहां पर। ये हमारे पास इसको कहां पर फोकस करेगा बच्चे, आपके पास यहां कहीं। तो ये बच्चा आपके पास इसको फोकस कर गया। अब नेक्स्ट, अगर ये यहां पर इसको फोकस कर रहा है तो मुझे ये बताना बच्चे कि अब इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा। ये मेरे पास कौन सा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट। ये आपके पास इंफिनिटी से लाइट आ रही है, तो यहां आपके पास ये कौन सा वेव फ्रंट बन गया, आपका प्लेनर वेव फ्रंट। ये मेरे पास प्लेनर वेव फ्रंट बन गया, ये मेरे पास प्लेनर वेव फ्रंट बन गया, और आगे जाके लाइट कन्वर्ज हो रही है तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। तो एक जगह पे मेरे पास यहां पर बन रहा है प्लेनर वेव फ्रंट, और दूसरे पे कौन सा बन रहा है बच्चे हमारे पास, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। अब चलते हैं बच्चे हम यहां पर, और बच्चे हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज आ गई, कनकेव लेंस। तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया, कनकेव लेंस। ये देखते हमारे पास यहां पर क्या आ गया बच्चे, कनकेव लेंस। हमारे पास यहां पर कौन सा लेंस आ गया बच्चे, कनकेव लेंस। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया कनकेव लेंस। हमारे पास यहां से लाइट जा रही है, डाइवर्ज हो रही है। हमारे पास यहां से लाइट जा रही है, डाइवर्ज हो रही है। हमारे पास यहां से लाइट जा रही है, डाइवर्ज हो रही है। हमारे पास यहां से लाइट जा रही है, डाइवर्ज हो रही है। ये लाइट हमको कहां पर आती हुई फोकस नजर आ रही है, यहां पर। ये बच्चे हमारे पास यहां पर फोकस पे जा रही है, ये लाइट आपके पास यहां से फोकस पे जा रही है, ठीक। अब हमारे पास यहां पर क्या चीज आ गई, ये हमारे पास लाइट इंफिनिटी से आ रही है, तो ये लो जी आपका प्लेनर वेव फ्रंट। यह हमारे पास प्लेनर वेव फ्रंट आ गया। लाइट हमको यहां पर कन्वर्ज होती हुई नजर आ रही है, यहां पर। तो जहां पर लाइट कन्वर्ज होती नजर आ रही है, हम उसको सर्कल, उसके उसको सेंटर मान के उसके आसपास सर्कल ड्रॉ कर देंगे। लो जी आपके पास कनकेव का केस भी बन गया। हमारे पास इसके बाद किसका केस बनता है, प्रिज्म का। ये सारे केसेस टीचर आपको एक एक दो दो नंबर के अंदर पूछेगा। तो ये मेरे पास यहां पर प्रिज्म है, और हमारे पास इस प्रिज्म के अंदर क्या हो रहा है,
आपकी लाइट यहां से आपके लिए ट्रेवल कर रही है इधर, ये लाइट बच्चे हमारे पास ट्रेवल कर रही है यहां, इसके बाद लाइट ऐसे जा रही है, लाइट आपके पास ऐसे जा रही है, फिर ये लाइट बाहर निकल रही है और ये लाइट आपके पास बाहर निकल रही है, और आपके पास यहां से लाइट इस तरीके से ट्रेवल करती हुई जा रही है, तो ये लाइट आपके पास ट्रेवल करती हुई यहां पर पहुंच रही है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये लाइट क्या कर रही है, यहां से पैरेलल चल रही है, तो ये आपके पास इंसिडेंट वेव, और ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया, रिफ्रैक्टेड वेव। समझने की कोशिश करना, इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा। ऐसा भी हो सकता है कि टीचर आपको विवरण दिखाकर बोले कि बताओ ये कौन सी ऑप्टिकल डिवाइस है, जैसे कि ये मेरे पास प्रिज्म है, जैसे कि ऊपर वाली मेरे पास क्या है कनकेव, आपके पास लेंस है, जैसे कि इसके ऊपर वाली आपके पास क्या बच्चे कन्वेक्स, आपके पास लेंस है, जैसे कि इसके ऊपर वाली मेरे पास क्या है आपके पास कंकेव मिरर। तो टीचर इन चारों केसेस को किसी भी तरीके से पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट। तो मतलब बच्चे वेवफ्रंट कोई एक ऐसी चीज है जो रे ऑफ लाइट के साथ साथ बनाई जा सकती है। अब हम एक काम करेंगे, रे ऑफ लाइट को और बच्चे वेवफ्रंट को इकट्ठा समझने की कोशिश करेंगे कि वेवफ्रंट बनता कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेवफ्रंट बनता कैसे है, इसके लिए हाइगंस ने एक प्रिंसिपल दिया, और ये हाइगंस प्रिंसिपल आपको स्कूल में 3 नंबर का आएगा। तो हमारे पास हाइगन प्रिंसिपल क्या बोलता है, वो ये बोलता है बच्चे हमारे पास नंबर वन, ऑल द पार्टिकल्स, समझना ऑल द पार्टिकल्स, हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स है, ऑल द पार्टिकल्स, जितने भी बच्चे हमारे पास यहां पर पार्टिकल्स है, ऑल द पार्टिकल्स ऑन द वेव फ्रंट, जो कि आपके पास वेव फ्रंट पे मौजूद है, ऑल द पार्टिकल्स ऑन द वेव फ्रंट, जो भी वेव फ्रंट आप देखते हो, चाहे बच्चे वो सिलेंड्रिकल है, चाहे वो स्फेरिकल है, चाहे वो बच्चे प्लेनर है, इज बिहेविंग लाइक, ये बच्चा आपके पास बिहेव करेगा, दिस इज बिहेविंग लाइक, ये बच्चा आपके पास किसकी तरह बिहेव करेगा, दिस इज बिहेविंग लाइक, ये हमारे पास बिहेव करेगा बच्चे द न्यू, आपके पास यहां पर न्यू सोर्स ऑफ द, न्यू सोर्स ऑफ द डिस्टर्बेंसेस, और डिस्टर्बेंस किसकी है बच्चे हमारे पास बताओ, शाबाश, ये लाइट की हमारे पास डिस्टरबेंस है, यानी जितने पार्टिकल्स हैं वो खुद अपने आप को लाइट के सोर्स का क्या मानेंगे बच्चे, एक सेंटर मानेंगे कि मैं, मेरे पास वो डिस्टरबेंस आ चुकी है, अब मैं यहां पर सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस हूं, मैं बाकियों को डिस्टर्ब करूं। बिल्कुल बात समझ में आती है कि ऑल द पार्टिकल्स ऑन द वेव फ्रंट इज बिहेविंग लाइक न्यू सोर्स ऑफ द डिस्टर्बेंस which is sent in all direction, which is sent, जो disturbance is sent है in all direction, और ये सारी disturbance हमारे पास हर एक direction के अंदर चलती जाएगी। number two बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, all the disturbance जितनी भी disturbance है बच्चे ट्रेवल्स, क्योंकि है तो वो लाइट है बच्चे हमारे पास, ऑल द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स एज सेकेंडरी वेवलेट्स, एज सेकेंडरी वेवलेट्स, ये बच्चा हमारे पास सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह ट्रेवल करेगी, ट्रेवल्स एज द सेकेंडरी वेवलेट्स इन आपके पास ऑल डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ लाइट, इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट, with the speed of the light, with the speed of the light, और ये speed of light से बच्चे हमारे पास हर direction के अंदर क्या करेंगे बच्चे, travel करेंगे। तीसरी चीज जो कि important है, अब वो ये बोलता है बच्चा हमारे पास, चलो मुझे पता लग गया कि जो medium के particles हैं वो बच्चे हमारे पास new source of disturbance बनेंगे, और इसकी वजह से बच्चे हमारे पास light एक जगह से आपके पास कहां पर चलेगी बच्चे, हमारे पास दूसरी जगह पे आपके पास चल पड़ेगी, ये बच्चा हमारे पास
ये चीज आपके पास एक जगह से दूसरी जगह पे चलेगी और जो वहां पर अलाउड स्पीड ऑफ लाइट है उससे चलेगी। और अब ध्यान से समझना, दे फॉरवर्ड एनवेल्प, अब समझना, दे फॉरवर्ड, जो बच्चा आपके पास फॉरवर्ड एनवेल्प है, दे फॉरवर्ड आपके पास एनवेल्प, दे फॉरवर्ड एनवेल्प फॉर्म्ड ऑन, दे फॉरवर्ड एनवेल्प फॉर्म्ड ऑन द डिस्टर्बेंस or formed on the disturbance will produce, ये बच्चा हमारे पास produce करेगा the next secondary wavefront, ये बच्चा हमारे पास next secondary wavefront को आपके पास क्या करेगा बच्चे, बना देगा। देखिए कैसे, मैं समझाता हूं, मेरे पास यहां पर इस तरीके से ये एक वेव फ्रंट आपके पास बनाओ, क्लियर, ध्यान से समझना बच्चे, बहुत अच्छे से समझना। अब हमारे पास इस वेव फ्रंट के ऊपर कुछ पार्टिकल्स है, जैसे ये मेरे पास एक पार्टिकल है, ये बच्चा हमारे पास एक पार्टिकल है, हमारे पास यहां पर एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल, चलो एक आपके पास यहाँ कहीं पर, नहीं तो तीनों से मैं बनाकर बता देता हूं। हमारे पास टॉ इज इक्वल टू जीरो पे एक वेव फ्रंट था और ये तीन पार्टिकल्स हैं जिनके पास ये डिस्टरबेंस पहुंचे, तो अब ये पार्टिकल क्या करेंगे बच्चे, इस डिस्टरबेंस को आगे की तरफ को लेके जाएंगे और ये डिस्टर्बेंस बच्चे आपके पास कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो जितनी स्पीड ऑफ लाइट है आपके पास, इस इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर करना बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय टाइम टॉ, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और सभी बच्चे आपके पास सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे कि अलग अलग करेंगे, तो सेम बच्चे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सेम है, टाइम भी सेम है, तो ये डिस्टर्बेंस सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवर करेगी। अब ध्यान से समझना, अब मैं एक यहां पर बच्चे इस पे एनवेल्प बनाता हूं, ये देखिए एनवेल्प बन गया, यहां पर बच्चा इसको एनवेल्प बना दिया और बच्चा हमने इसको एनवेल्प बना दिया, अब करना क्या, हम अब इन तीनों एनवेल्प के ऊपर अगर एक कॉमन टेंजेंट को खींचते हैं ऐसे, जब आप अपने कॉपी पे हाथ से बनाओगे फ्री हैंड से बड़ी अच्छे से बनेगा, मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम इस वजह से क्योंकि मैं यहां पर किसको यूज कर रहा हूँ, पेन टैप को, पर अगर आपके पास पेंसिल है और पेपर है बहुत ब्यूटीफुल आपसे बना, ये बच्चे हमारे पास क्या बन गया, आपके पास टॉ टाइम के बाद एक नया वेव फ्रंट बन गया, है ना, नया वेव फ्रंट बन गया। फिर क्या होगा बच्चे, फिर हमारे पास तीन ऐसे पार्टिकल्स है, एक दो और बच्चे तीन, जिसको ये डिस्टरबेंस मिलेगी, फिर ये डिस्टरबेंस बच्चे हमारे पास कुछ टाइम के लिए आगे की तरफ को चलेंगे, चलिए, और ये कुछ टाइम के लिए आपके पास आगे की तरफ को चलेंगे और फिर बच्चे हमारे पास ये एक एनवेल्प बन गया, ये आपके पास एनवेल्प बन गया और ये बच्चे आपके पास एनवेल्प बन गया और फिर क्या बच्चे हमारे पास, और फिर बच्चे हमारे पास टॉ टाइम के बाद अगर आप इस एनवेल्प में कॉमन टेंजेंट बना देते हो तो आपके पास क्या होगा, मेरे पास एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या बन जाएगा, नया वेव फ्रंट। आपको अपना हाथ बिल्कुल फ्री रखना है, तो टॉ डैश के ऊपर क्या बन गया, वेव फ्रंट बन गया। तो ऐसे हमारे पास एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट के आपके पास नीतिका क्या होती है, तैयारी होती है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास यहां पर कौन सा वेव फ्रंट हो, आपके पास प्लेनर वेव फ्रंट हो, ऐसा भी हो सकता है। और हमारे पास अगर ऐसा है तो ये हमारे पास पहला सोर्स आ गया, समझना, ये हमारे पास दूसरा सोर्स आ गया और ये मेरे पास तीसरा सोर्स आ गया, चौथा सोर्स आ गया, है ना। अब हमारे पास यहां से सेम टाइम के अंदर आपके पास जो डिस्टरबेंस है वो सेम डिस्टेंस कवर करेगी। अब हमने करना क्या, इसके ऊपर एक एनवेल्प को बनाना, इसके ऊपर एक एनवेल्प को बनाना, इस पे एक एनवेल्प को बनाना और इस पे एनवेल्प को, और फिर इन सबका मैंने क्या बना देना है, कॉमन टेंजेंट। ये जो कॉमन टेंजेंट होगा ये नया वेव फ्रंट बन जाएगा, ये हमारे पास नया वेव फ्रंट। फिर क्या हो जाएगा, फिर बच्चा हमारे पास तीन पार्टिकल्स है, वही एक दो और तीन और ये चार, यहां से मेरे पास वेव पहुंच रही है, यहां से वेव पहुंच रही है,
ये आपके पास वेव पहुंच रही है और ये वेव पहुंच रही है, और हमारे पास यहां पर क्या आ गया, ये पहला, ये बच्चा आपके पास दूसरा, ये बच्चा आपके पास तीसरा, और ये बच्चा आपके पास चौथा। और देन मेरे पास यहां पर मैं क्या ड्रॉ कर देता हूँ आपके पास, कॉमन टेंजेंट। ये बच्चा हम यहां पर क्या ड्रॉ कर देते हैं, कॉमन टेंजेंट। तो ये मेरे पास टॉ इज इक्वल टू जीरो पे, ये बच्चे टॉ डैश पे, और ये टॉ डबल डैश के ऊपर। मेरे पास एक के बाद एक क्या बनते जाएंगे बच्चे, वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट बनाने की कहानी हाइगंस ने बोला कुछ इस तरीके से, हमारे पास एक वेव फ्रंट दूसरे वेव फ्रंट क्या करता है, जनरेट कर देता है। हमारे पास एक वेव फ्रंट दूसरे वेव फ्रंट को आपके पास जनरेट करना आपके पास शुरू कर देता है। आगे चलते हैं। अगर हम यहां पर आगे की तरफ को देखें तो हमारे लिए नई चीज क्या निकल कर आती है, हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन। आपको रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताना बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। यानी कि वेव थ्योरी के बेसिस पे आपको क्या बताना बच्चे, कॉन्सेप्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, ये हमें बताना। अब ध्यान से समझना, सपोज कि मेरे पास यहां पर एक मीडियम है, ध्यान से समझना, और ये मीडियम बच्चे हमारे पास ऊपर रेरर है। तो मेरे पास एक रेरर मीडियम है जिसकी वैल्यू म्यू वन है, और जहां पर वेलोसिटी वी वन मीटर पर सेकेंड है, और दूसरा मेरे पास डेंसर है, और ये आ गया म्यू टू, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कितने के बराबर है, वी टू मीटर पर सेकेंड। हमारे पास लाइट क्या करती है, इंसिडेंट हो जाती है। ये लाइट आपके पास इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट आपके पास इंसिडेंट हो रही है, ये हमारे पास ये इंसिडेंट हो रही है, और हमारे पास यहाँ पर ये नॉर्मल है, यह आपके पास नॉर्मल है, और यहां पर भी मेरे पास क्या आ गया, नॉर्मल। फोकस करना बच्चे, हमारे पास यहां पर ये एंगल ऑफ क्या आ गया, इंसिडेंस। लाइट आपके पास डेंसर मीडियम में जाकर क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, ये लाइट आपके पास रिफ्रैक्ट हो जाएगी, एंड ये मेरे पास एंगल आपके पास किसका आ जाएगा बच्चे, रिफ्रैक्शन का एंगल आ जाएगा। तो लाइट आपके पास ऊपर से आ रही है, लाइट बच्चे आपके पास ऊपर से आ रही है, और ये बच्चे आपके पास क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। अब टीचर बोलता है कि रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बता पाओगे, ध्यान से समझो। मैं इस पॉइंट को यहां पर ए ले लेता हूं, और इस पॉइंट को यहां पर मैं क्या ले लेता हूं, बी ले लेता हूं। ध्यान से समझो, मेरे पास ये ए है, और ये दूसरा बच्चे आपके पास क्या आ गया, बी। अब मेरे पास क्योंकि ये लाइट इंफिनिटी से आ रही है, तो इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा, तो ये बच्चा हमारे पास इसका वेव फ्रंट बन गया, ये हमारे पास इसका क्या बन गया, वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। क्लियर? अगर ये वेव फ्रंट है तो ये एंगल आपके पास क्या आ जाएगा, आई, क्योंकि आई 90 माइनस आई और आई, ठीक। ये हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए और ए डैश। अभी हमने क्या सीखा कि हम एक वेव फ्रंट से क्या बनाते हैं बच्चे, दूसरा वेव फ्रंट। इसके अंदर बच्चे हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद लाइट वेव कहाँ पहुंची। अब सोच के देखो बच्चे, आपके पास ए से जो लाइट है, ये वाला आपके पास जो ए से लाइट है, जो यहां पर है बच्चे, टी टाइम के बाद इस जगह से कौन से मीडियम के अंदर पहुंच जाएगी, डेंसर मीडियम में, और इस जगह से आपके पास लाइट रेयर मीडियम के अंदर ही ट्रेवल करेगी। समझने की कोशिश करो, हम ये इमेजिन करके चलते हैं बच्चे यहाँ पर कि आपके पास टी टाइम के बाद ये वाली लाइट ए डैश की लाइट बी तक पहुंच रही है। तो अगर ये पहुंच रही है तो हम यहाँ पर क्या बना देते हैं बच्चे, बताओ, शाबाश, ये आपके पास एनवेल्प ऐसे बन जाएगा, इसको सेंटर मान के ये एनवेल्प बन जाएगा। अब ए को भी सेंटर मान के बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, एनवेल्प बन जाएगा, यस और नो। अब ये तो किया था बच्चे हमने कि हम इसका एनवेल्प आपके पास क्या कर देते, तैयार कर देते, कर दिया। अब बच्चे हमारे पास अगर ये एनवेल्प तैयार हो गया तो ध्यान से समझना बच्चे, ये आपके लिए क्या तैयार हो गया बच्चे, आपके पास ये आपका नया वेव फ्रंट तैयार हो गया। और ये नया वेव फ्रंट कहाँ पर तैयार हुआ है बच्चे, हमारे पास ये नया वेव फ्रंट बच्चे हमारे पास तैयार हुआ है इन द डेंसर मीडियम।
अब ये आर है, ये 90 माइनस आर है, और ये बच्चे आपके पास था। बहुत ध्यान से देखना बच्चे, हमने यहां पर एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट बनाया, ए ए डैश से ए बी बना। अब ए डैश बी क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन द रेरर मीडियम, और ए बी डैश क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन द आपके पास डेंसर मीडियम, क्योंकि स्पीड डिफरेंट है इसलिए डिस्टेंस भी डिफरेंट है, टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। लाइट यहां पर पहुंच गई, लाइट आपके पास क्या पहुंच गई, ये एंगल वगैरह को देख सकते हैं बच्चे। अब आगे चलते हैं, आगे आगे बच्चे हमारे पास साइन ऑफ आई, हमारे पास यहां पर साइन ऑफ आई आएगा परपेंडिकुलर, जो कि ए डैश बी है, अपॉन बच्चे हमारे पास हाइपोटेन्यूज, जो कि बच्चे आपके पास किसके बराबर है, ए बी। मेरे पास यहां पर साइन ऑफ आर जो कि नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर है, यहां पर मेरे पास आएगा परपेंडिकुलर विच इज ए बी डैश, ए बी डैश वी टू टी, एंड बच्चे हमारे पास ए बी, ये हमारे पास आ गया। देयरफॉर साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर, यह हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज ए डैश बी अपॉन ए बी डैश। तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ए डैश बी अपॉन ए बी डैश, तो मेरे पास साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर। अब ए डैश बी किसके बराबर है, वी वन टी, एंड ए बी डैश वी टू टी, तो टी से टी कैंसिल, हमारे पास टी से टी कैंसिल, और मेरे पास साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर, एंड दिस इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। तो अभी स्नेल्स लॉ देखो कैसे निकल कर आएगा, और या फिर बच्चे हमारे पास साइन ऑफ आई और वी वन को नीचे लगा दीजिए, साइन ऑफ आर और बच्चे वी टू नीचे। अब ध्यान से समझना, इन दोनों को मैं C से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट, और हमको ये चीज पहले से पता है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। देयरफॉर हमारे पास म्यू वन साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन ऑफ, और ये हमारे पास कौन सा लॉ बन गया बच्चे, स्नेल्स लॉ, ये हमारे पास स्नेल्स लॉ है, जो कि हमारे को प्रूफ करता है कि लाइट इज अ वेव, लाइट वेव, लाइट वेव के बेसिस पे बच्चे हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने रिफ्रैक्शन को प्रूफ कर दिया। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा क्लास के अंदर, ये हमारे पास 3 मार्क्स का आएगा, तो ये बच्चे आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है बेटा। चलिए सो अभी के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें बच्चे अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ये एक पार्ट बच्चे आपका वेव ऑप्टिक्स का खत्म हो जाता है, पहला पार्ट, बाकी चीजें यहाँ पर इसको रिवाइज करिए, बाकी चीज बच्चे मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँ।